महान पुत्र की आत्मा बाप का भी कल्याण कर देती है, 21 पीढ़ियों को तार देती है। शास्त्रों में लिखा है, एक भक्त आत्मा, एक संत आत्मा 21 पीढ़ियों को तारती है। ये तो लिखने वाले ने सीमित लिखा, जैसे मैं संत हुआ 21 नहीं, 21,000 भी नहीं, 21 लाख लोग जीवन में रूपांतरण कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। देश विदेश में 48 करोड़ व्यूअर है, 20 लाख सब्सक्राइबर है। सुन सुन करके लोगों का जीवन धन्य हो रहा है। तुम 21 पीढ़ियों की बात कर रहे हो, 21 लाख नहीं, 48 करोड़ लोग भी तर रहे। कौन सी आत्मा जन्म लेगी? ये गृहस्थ आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं, ये केवल भोग का आश्रम नहीं, ये रोग का आश्रम नहीं, ये रोने धोने के लिए आश्रम नहीं। ये आश्रम इस धरती को सुशोभित करने के लिए, धरती को धन्य करने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, कोई दिव्य आत्मा को जन्म देने के लिए आश्रम है। हजारों साल जब धरती तप करती है, तब कोई एक दिव्य आत्मा महान लाल का जन्म होता है। कभी वो राजनीति की राह पर चलकर, कभी सन्यास के पथ पर चलकर, और कभी भक्ति के मार्ग पर चलकर, कभी उद्योग जगत में कदम बढ़ाकर, और कभी कृषक बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी बैरिस्टर बनकर, कभी जज बनकर, कभी कलेक्टर बनकर, कभी अफसर बनकर, कभी नेता मिनिस्टर बनकर, देश के उद्धार के लिए, देश के सुधार के लिए, देशवासियों की सुख शांति के लिए उसका जन्म होता है और काम करती है वो। ऐसे महान आत्माओं का इंतजार कीजिए। सत्संग सुनते रहो, सत्संग का पुण्य तुम्हारे द्वारा कोई दिव्य आत्मा को जन्म देगा। और याद रखना, यदि आपके द्वारा किसी का जन्म हुआ ही नहीं, दुखी मत होना, दुखी मत होना, फिर आप धर्म को पुत्र मान लेना, भक्ति को पुत्री मान लेना, और खूब भक्ति करना, खूब धर्म कमाना। क्योंकि सांसारिक पुत्र और पुत्री इस जगत में, इस लोक में आपका सहारा बन सकते हैं, परंतु धर्म एक ऐसा पुत्र है, भक्ति एक ऐसी पुत्री है जो परलोक में तुम्हारा सहारा बनेगी और इस लोक में भी सहारा बनेगी। इसलिए सच्चा पुत्र धर्म। नीतिकार से पूछा गया कि अपने परिवार का परिचय बताइए, तो नीतिकार कहता है, सत्यम माता, सत्य मेरी माँ है, पिता ज्ञानम, ज्ञान मेरा पिता है, धर्मो भ्राता, धर्म मेरा भाई है, दया सखा, दया मेरा मित्र है, सखा है दोस्त है, क्षमा पुत्र और मेरा पुत्र क्षमा है, शांति पत्नी, खड़े ते मम बांधवा, और शांति मेरी पत्नी है, यही मेरा परिवार है। ये परमार्थ का परिवार है। दो परिवार होते हैं, स्वार्थ का परिवार, वो जो तुम शादी करते हो पति पत्नी, वो स्वार्थ का परिवार, ये जो बच्चे जन्म लेते हैं स्वार्थ का परिवार है।
लेकिन परमार्थ का परिवार। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा, क्षमा पुत्रः शांति पत्नी खड़े ते मम बांधवा, खड़े ते मम बांधवा। इस लोक का परिवार बसाइए, लेकिन जो परलोक का परिवार है उसको भी बनाइए, तैयार कीजिए। सत्य माता, सत्य मेरी माँ है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, और दया मेरा दोस्त है, क्षमा मेरा पुत्र है, शांति मेरी पत्नी है। याद रखना, ये सांसारिक पत्नी से यदि तुम चाहते हो कि शांति मिलेगी, कभी नहीं। ये सांसारिक पति से यदि तुम चाहती हो कि हमको सुख मिलेगा, कभी नहीं। किसी को मिला ही नहीं आज तक, मिलेगा भी नहीं, मिल सकता भी नहीं है, मिलता ही नहीं है, मिलने वाला भी नहीं है। लगे रहो लाइन में, प्लेटफार्म पर खड़े रहो टिकट लेकर, वहां सुख नहीं है, वहां सुख कहां है। जब से ब्याही राम घर आए, तब से नीत नू तन दुख पाए, जब से ब्याही राम घर आए। भगवान राम विवाह के बाद कहां सुख पाए थे। ये सब लोग बैठे हैं विवाह कर करके कि सुख मिलेगा, मेरे पास आते हैं कि तुम कुछ मंत्र पढ़ दो तो शायद सुख मिल जाए, अभी तक तो मिला नहीं। टेंशन बढ़ती जा रही, उलझन बढ़ रही, चिंता बढ़ रही, सुख है नहीं। संसार को चलाने के लिए ये विवाह की व्यवस्था है, क्योंकि हर व्यक्ति त्याग से नहीं रह सकता है, तो सुख कैसे मिलेगा। सारे लोग इतना ढोल बजा बजा कर विवाह कर रहे हैं, खूब बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब धमकच्चड़ मच रहा है, खूब कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, हुल्लड़ भुल्लड़ कर रहे हैं, और सुख है नहीं, ते फालतू ढमढम मचा। तो इतना ढमढम क्यों, ये इतना ढमढम इसलिए मचा है कहीं दूल्हा और दुल्हन को ज्यादा शांति से विवाह कर रहे हैं तो ज्ञान ना हो जाए जो विवाह को मना कर दे और त्याग से रहने लग जाए। इसलिए इतना ढोल बजाओ, इतना नाचो, इतना कूजो, इतना बैंड बाजा, इतना अंग्रेजी बाजा, इतना मूर्ख बाजा, इतना लाइट कि मूर्खों को ज्ञान हो ना पाए, इनको फंसा दो पहले से।